हरियाणा सरकार के बजट को लेकर आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी राय पत्रकारों के सामने रखी। जरा महिला के अपराध के आरोपियों को मंत्री रखा जाता है और पूरी की पूरी विधानसभा के अंदर खट्टर साहब टेबल थपथपा के कहते हैं नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। एक प्री डिटरमाइंड माइंड से ऐसे लोगों को मंत्रालय के अंदर जब रखा जाता है तो ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो महिला सुरक्षा के लिए बजट के अंदर कोई प्रावधान रखेंगे, और ना ही उन्होंने इस तरीके से रखा है। कृषि क्षेत्र पे हरियाणा के 60% लोग कृषि पर आधारित जिंदगी को जी रहे हैं, परंतु बजट का सिर्फ 3.9%, 4% से भी नीचे इन्होंने कृषि के ऊपर रखा है। ये एक बहुत दुखदायी बात है। हरियाणा सरकार केवल और केवल ना विकलांगों की पेंशन बढ़ाने की बात करी, ना वृद्ध पेंशन बढ़ाने की इन्होंने बात करी है। पिछली बार इन्होंने 5100 रुपये पेंशन देने की बात करी थी, इस बार सिर्फ 250 रुपये इस बजट के अंदर बढ़ाए गए हैं। ये बहुत दिक्कत है। खिलाड़ियों से जो वायदा किया था खट्टर साहब ने, उस वायदे को पूरा नहीं किया कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन इस बजट के अंदर कहीं दिखाई दे, ऐसा कोई सिस्टम इसके अंदर नहीं दिखाया गया। ना ही नई नर्सरियों की इन्होंने जो बात करी थी उसके लिए किया गया, ना ही ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की, जबकि हरियाणा के सारे कर्मचारियों ने बहुत बड़ा प्रदर्शन भी किया कि भगवंत मान जी ने पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया, परंतु हरियाणा सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के मामले में बिल्कुल खामोश है, कोई ओल्ड पेंशन स्कीम की तरफ उनका नहीं जाता। अंत में मैं कह सकता हूँ कि बजट बहुत निराशाजनक बजट है, ना किसान के लिए इसमें कुछ आया, ना युवा के लिए आया, ना हेल्थ के लिए आया, ना एजुकेशन के लिए आया, ना बिजली और पानी के लिए आया, ना विकलांग पेंशन के लिए आया, ना वृद्धावस्था पेंशन के लिए आया, ना खिलाड़ियों के लिए आया। एक भी वर्ग इस बजट से खुश नहीं। ने कल बजट पेश किया, बहुत निराशाजनक बजट ये देखने को मिला। 50,000 करोड़ रुपये घाटे का बजट उन्होंने बनाया, जबकि शिक्षा और चिकित्सा का बजट में कोई उन्होंने बढ़ोतरी नहीं करी, युवाओं के रोजगार के लिए कोई उसके अंदर विशेष योजना नहीं निकाली, किसान जो कृषि प्रधान देश है उसके लिए कोई योजना नहीं निकाली। केवल आंकड़ों का मायाजाल बना के इस बजट को पेश किया गया। इतना निराशाजनक बजट है कि शिक्षा के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ तो 11% खर्च किया जा रहा है, जबकि दिल्ली सरकार शिक्षा पर 27% बजट करती का खर्च करती है। मैं चिकित्सा की बात करता हूँ तो चिकित्सा पे हरियाणा सरकार का बजट 5.2% खर्च करता है, जबकि वहाँ पे चिकित्सा सुविधाओं को सुधारने की बहुत ज़रूरत है। दिल्ली सरकार 13% से ज़्यादा शिक्षा के ऊपर खर्च करती है। 32,220 करोड़ रुपये इनको कर्ज उतारने के लिए पेमेंट करनी पड़ती है, जबकि इन शिक्षा चिकित्सा पे पैसा ना लगाते हुए 50,000 घाटे का बजट है, दिल्ली सरकार इनके ऊपर इतना पैसा लगाती है और मुनाफे का बजट है। तो ये कहीं ना कहीं खट्टर साहब को अरविंद केजरीवाल से सीख लेने की ज़रूरत है कि किस प्रकार राज्य को चलाना है, किस प्रकार से युवाओं के लिए रोजगार का ऐलान करना है, किस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करना है, किस प्रकार से स्कूलों को ठीक करना है। महिला सुरक्षा के लिए कोई प्रावधान इस बजट के अंदर नहीं किया गया। हरियाणा के अंदर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है, महिला के अपराध के आरोपियों को मंत्री रखा जाता है और पूरी की पूरी विधानसभा के अंदर खट्टर साहब टेबल थपथपा के कहते हैं नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। एक प्री डिटरमाइंड माइंड से ऐसे लोगों को मंत्रालय के अंदर जब रखा जाता है तो ये उम्मीद भी नहीं की जा सकती कि वो महिला सुरक्षा के लिए बजट के अंदर कोई प्रावधान रखेंगे, और ना ही उन्होंने इस तरीके से रखा है। कृषि क्षेत्र पे हरियाणा के 60% लोग कृषि पर आधारित जिंदगी को जी रहे हैं, परंतु बजट का सिर्फ 3.9%, 4% से भी नीचे इन्होंने कृषि के ऊपर रखा है। ये एक बहुत दुखदायी बात है। हरियाणा सरकार केवल और केवल ना विकलांगों की पेंशन बढ़ाने की बात करी, ना वृद्ध पेंशन बढ़ाने की इन्होंने बात करी है। पिछली बार इन्होंने 5100 रुपये पेंशन देने की बात करी थी, इस बार सिर्फ 250 रुपये इस बजट के अंदर बढ़ाए गए हैं। ये बहुत दिक्कत है। खिलाड़ियों से जो वायदा किया था खट्टर साहब ने, उस वायदे को पूरा नहीं किया कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन इस बजट के अंदर कहीं दिखाई दे, ऐसा कोई सिस्टम इसके अंदर नहीं दिखाया गया। ना ही नई नर्सरियों की इन्होंने जो बात करी थी उसके लिए किया गया,
ना ही ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।